फिल्म की स्टार्टिंग में एक हैरमिट को दिखाते हैं जो अपने डॉग के लिए खाना लेकर जा रहा होता है, बट जैसे ही वो अपने डॉग के पास जाता है वो देखता है कि उसका डॉग मरा हुआ रहता है किसी इन्फेक्शन से, यानी कि वो इन्फेक्टेड था और उसकी वजह से हैरमिट भी इन्फेक्टेड हो गया था। वह हैरमिट के साथ क्या हुआ ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फिल्म में कुछ कॉलेज स्टूडेंट को दिखाते हैं जो स्प्रिंग ब्रेक सेलिब्रेट करने के लिए एक कैबिन पर जा रहे थे, और उनमें थे पावल, उसकी क्रश कैरन, जेफ, उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी और बर्ट। तो वो कैबिन पर जाने से पहले एक स्टोर पर जाते हैं बियर वगैरह खरीदने के लिए। वहाँ पर उनको एक छोटा लड़का भी मिलता है जिसका नाम डेनिस रहता है। तो पावल उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन डेनिस पागल रहता है और वो पावल के हाथ को काट लेता है। इतने ही वहाँ पर डेनिस का डैड टॉमी आ जाता है और वो डेनिस को रोकता है, साथ ही उसे मारता भी क्योंकि वो काफ़ी खड़ूस था। इसके बाद वो पावल से हाथ धोने के लिए भी कहता है, तो पावल झरने पर हाथ धोने के लिए भी जाता है। अब बाकी के फ्रेंड्स को दिखाते हैं जो स्टोर में बियर खरीद रहे होते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी रहता है और वो उनको जंगल में जाने के लिए वार्न भी करता है। इसके बाद वो सभी बियर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी कैबिन पर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही जेफ और मार्सी किस करने लगते हैं और पावल और कैरन लेक के लिए जाते हैं, बट तभी वो देखते हैं कि बर्ट अपने साथ एसोल्ट राइफल भी लाया था स्कार करने के लिए, बट वो वहाँ से आगे जाते हैं। बीच रास्ते में पावल कैरन को अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करता है बट कैरन उसे इग्नोर करती है। अब वो दोनों लेक पर रहते हैं, वहीं पर कैरन पावल को एक लड़के के बारे में बताती है जो उसका फैमिली फ्रेंड था काफ़ी सालों से। तो उस लड़के ने कैरन को किस किया बट कैरन को उसका किस करना पसंद नहीं था क्योंकि वो उस लड़के को किस करना चाहती थी जो उसे पसंद हो, और वहाँ पर वो पावल को किस भी करती। उसके बाद वो दोबारा से पानी में चले जाती है स्विमिंग करने के लिए। अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं, वो पागल तो रहता ही है और वहाँ पर वो गिलहरी पर गोली चलाता है, बट इसी के साथ वो एक इंसान में गोली मार देता है जो कि हैरमिट ही रहता है। तो हैरमिट इन्फेक्टेड तो था ही, अब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो बर्ट से हेल्प मांगता है लेकिन बर्ट उसकी हेल्प ना करके वहाँ से भाग जाता है, और कैबिन पर जाकर वो जेफ और मार्सी को देखता है जो उसकी लगाई हुई आग को बुझा रहे होते हैं। बट बर्ट उन दोनों को हैरमिट के बारे में नहीं बताता है, वो उन सभी से अपनी इस बात को छुपाता है। अब वो सभी रात को बॉनफायर पर बातें कर रहे होते हैं, वहीं पर पावल उन सभी को एक डरावनी स्टोरी भी सुना रहा है। इतने ही वहाँ पर उनके पास एक आदमी आ जाता है जिसके पास एक डॉग भी रहता है और जिसका नाम डॉक्टर मैम्बो रहता है, और उस आदमी का नाम जस्टिन रहता है। लेकिन वो उनसे कहता है कि लोग मुझे ग्रिम बुलाते हैं। तो वो स्टूडेंट चाहते थे कि वो वहाँ से चले जाए क्योंकि वो उनकी प्राइवेट पार्टी थी, बट उसके पास भीड़ थी इसलिए वो सभी उसे रुकने के लिए कहते हैं। तो वो वहाँ पर बातें करते हैं बट इतने वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है, तो इसलिए ग्रिम वहाँ से अपने टेंट के पास चले जाता है क्योंकि उसका सामान बाहर रखा हुआ था और वो बारिश में भीग जाता। जाते टाइम वो उनसे ये भी कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। अब वो सभी स्टूडेंट अपने कैबिन में बातें कर रहे होते हैं और ग्रिम का इंतज़ार भी करते हैं। तभी उनके डोर पर कोई आता है, उन्हें लगता है कि वो ग्रिम ही होगा। जैसे वो डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हैरमिट ही रहता है। उसकी तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब थी, तो बर्ट ने उसमें गोली मारी थी और उसके बारे में सभी को पता चल जाता है, इसलिए वो डोर को लॉक कर देता है और हैरमिट की हेल्प नहीं करने देता है। अब हैरमिट उनकी कार में बैठकर कार को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन सभी स्टूडेंट उसे उतारने की कोशिश करते हैं। तभी हैरमिट उनकी कार में खून की उल्टी भी कर जाता है, तो वो उसे कार से उतार देते हैं और सेल्फ डिफेंस में उसमें आग भी लगा देते हैं। तो हैरमिट जंगल की तरफ भाग जाता है, ऐसा लगता है कि वो मर ही गया होगा। तो वो सभी अब अपनी कैबिन में बैठे रहते हैं और वो काफ़ी शॉक्ड रहते हैं इस हादसे से क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने किसी को मार दिया है, बट पीछे वो इस बात को मान लेते हैं कि हमने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, और वो ये भी कहते हैं कि अगली सुबह हम इसके बारे में पुलिस को बता देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो रात भर हैरमिट के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगली सुबह बर्ट और जेफ हेल्प के लिए जाते हैं, साथ ही मार्सी भी दूसरी तरफ हेल्प लाने के लिए जाती है। अब इसके बाद हैरमिट को दिखाते हैं जो लेक पर मरा हुआ रहता है, तो वो इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से वो पूरा पानी भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब इसके बाद पावल को दिखाते हैं जो पानी लेकर कैरन के पास जाता है, तो कैरन काफ़ी परेशान थी और वो उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ही वो उसे पानी पीने के लिए कहता है और कैरन पानी भी पी लेती है। तो वो पानी इन्फेक्टेड था, अब उसकी वजह से कैरन भी इन्फेक्टेड हो गई थी। अब इसके बाद बर्ट और जेफ को दिखाते हैं जो एक फार्म हाउस पर जाते हैं, वहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है जो एक सुअर को काट रही होती है। तभी वो लेडी उन दोनों को बताती है कि यहाँ पर तीसरा सुअर है जो इन्फेक्टेड था, तो यहाँ के एनिमल फॉर सम रीजन इन्फेक्टेड थे किसी बीमारी से,
बट वो लेडी उन दोनों की हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो उन्हें अपने घर पर लेकर जाती है। घर पर जाकर ही पता चलता है कि वो लेडी हर्मिट की कज़न थी। तो हर्मिट को तो उन स्टूडेंट ने मारा था, इसलिए वो उस लेडी से कुछ बहाना लगाकर वहाँ से आ जाते हैं। अब इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है और उस घर में जेफ और बर्ट भी रहते हैं, तो उन तीनों को कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। अब इसके बाद पाल को दिखाते हैं जो कैबिन पर रहता है, वहाँ पर एक डेप्यूटी विंस्टन भी आता है। वो पाल से कल के हादसे के बारे में पूछता है, तो पाल उसे बताता है कि कल रात हमारी कैबिन पर एक आदमी आया था जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और हमने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। तो विंस्टन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और साथ ही वो उनकी रिपोर्ट भी लिखता है और वो उनसे ये भी कहता है कि एक टो ट्रक कल दोपहर तक तुम्हारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही वहाँ पर वो काफ़ी बातें करता है, उसके बाद वो साइकिल को लेकर चले जाता है। अब इसके बाद पावलो और बर्ट को दिखाते हैं जो कार को सफ़ा कर रहे होते हैं, वहीं पर ग्रिम का कुत्ता भी आ जाता है, तो वो भी इन्फेक्टेड था और ऐसा लगता है कि वो पावलो और बर्ट को काट लेगा, लेकिन इतनी मारसी आकर गोली चलाती है और वो कुत्ता भाग जाता है। तो वो सभी कैबिन में रहते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं और वो सभी काफ़ी परेशान थे। अब इसके बाद पावल कैरन के पास जाता है, तो कैरन पाल को अपने साथ सोने के लिए कहती है और पाल सो भी जाता है। तो अब इसके बाद जेफ और बर्ट को दिखाते हैं जो कार को ठीक कर रहे होते हैं और उनके पास फिर से वो कुत्ता आ जाता है। अब इसके बाद पाल को दिखाते हैं जो अभी भी कैरन के पास था और वो उसे टच करने लगता है। कैरन उससे मना भी नहीं करती है, तो वो अपनी फिंगरों को उसके पैरों के बीच में लेकर जाता है। तभी वो देखता है कि कैरन इन्फेक्टेड थी। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, तो वो कैरन को एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। अब रात को वो सभी अपने आप को चेक करते हैं कि उनमें से तो कोई इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वो कैरन को शेड में लेकर जाते हैं ताकि वो उनसे अलग रहे और उनकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। तो पावलो हेल्प लाने के लिए भी जाता है। अब इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो कैरन के पास खाना लेकर आती है, लेकिन उसे भगा देती है। अब इसके बाद पावलो को दिखाते हैं जो एक घर पर पहुँच जाता है, वहाँ पर वो उसे एक लड़की मिलती है जो न्यूड रहती है और वो उसे देख रहा होता है। इतने वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है, उसे लगता है कि वो उसकी वाइफ को देख रहा था, उसकी वाइफ के लिए आया था, इसलिए वो पावलो को वहाँ से भगा देता है। तो पावलो को भी कोई हेल्प नहीं मिली थी और वो अपने कैबिन पर आ जाता है। तो वहीं पर बर्ट उनसे मजाक कर रहा होता है, बट जेफ पर ये बात झेलती नहीं है और वो बर्ट से लड़ने लगता है। इतने ही पावलो उसे रोकता है। अब अगली सुबह बर्ट कार को ठीक कर लेता है, इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। तो वो दोबारा से कार के पास जाता है, बट वहाँ पर उसे खूनों की उल्टी होती है और उसे पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इस बात को वो अपने फ्रेंड से छुपाता है। अब इसके बाद पावल और मार्सी कैरन को कार में बैठाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और वहाँ पर वो खूनों की उल्टी भी करती है। इतने ही उन सभी को पता चल जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है, तो इसी वजह से बर्ट कार को लेकर वहाँ से चले जाता है और उनको पीछे ही छोड़ देता है। अब इसके बाद जेफ भी बियर लेकर उनसे दूर चले जाता है ताकि उनकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड ना हो। पावल और मार्सी दोबारा से कैरन को शेड में लेटा देते हैं, उसके बाद वो कैबिन पर आते हैं, तो उनको ये तो पता ही था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो मरने से पहले दोनों एक साथ सेक्स भी करते हैं और पावल मार्सी के बैग पर निशान भी बना देता है। तो अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं जो हेल्प मांगने के लिए स्टोर पर जाता है, वहाँ पर वो टॉमी से हेल्प मांगता है, लेकिन इतने ही उसका बेटा डेनिस बर्ट के हाथ को काट लेता है। तो बर्ट इन्फेक्टेड था, उसी वजह से डेनिस भी इन्फेक्टेड हो गया था और इसी बात पर टॉमी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बर्ट और उसके सभी फ्रेंड को मारने का फैसला करता है। तो बर्ट वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे टॉमी और उसके फ्रेंड रहते हैं। अब इसके बाद पावल को दिखाते हैं जो जेफ को ढूंढ रहा होता है, तभी लेक पर उसे हर्मिट की डेड बॉडी मिलती है और वो भी पानी में गिर जाता है, बट जैसे तैसे वो पानी से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद मार्ची को दिखाते हैं जो बाथटब में रहती है और वो शेविंग कर रही होती है, बट उसकी खाल पूरी तरह से ख़राब हो गई थी क्योंकि उस पर इन्फेक्शन फैल गया था, और वो कैबिन से बाहर आती है, बट इतने ही वहाँ पर ग्रिम का कुत्ता आ जाता है और वो मार्ची को मार देता है। पावल कैबिन पर आता है, वहाँ पर उसे मार्ची के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, तभी वो देखता है कि वो डॉग कैरन को भी खा रहा था, लेकिन पावल उस डॉग को तो मार देता है, बट उसके बाद वो कैरन को देखता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो तड़प रही थी, तो वो उसे आज़ाद करने के लिए शॉवल से मार देता है। अब इतने ही उस कैबिन पर बर्ट भी आ जाता है और बर्ट पावल को बताता है कि टॉमी और उसके फ्रेंड उसे मारना चाहते हैं, इसलिए पावल उसे कैबिन के अंदर लेकर जाता है, लेकिन इतने वहाँ पर टॉमी और उसके फ्रेंड आकर बर्ट को मार देते हैं, बट
इस बात से पावल को काफी गुस्सा आता है और वो उन तीनों को मार देता है। पावल जेफ को ढूंढते ढूंढते एक केव में जाता है, वहां पर उसे ग्रिम की डेथ बॉडी भी मिलती है, तो वो वहां से भाग आता है। अब उसे ट्रॉमी का ट्रक मिलता है और वो उसमें बैठकर वहां से चले जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक हिरन से, और हिरन इन्फेक्टेड था और उसकी वजह से अब पावल भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब इसके बाद डेप्यूटी विंस्टन को दिखाते हैं जो अपने कुछ फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है, बट वहां पर पावल भी आ जाता है, तो वो इन्फेक्टेड था, उसकी हालत काफ़ी खराब। तभी विंस्टन को ऑर्डर मिलते हैं कि केविन पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर तुम्हें वो दिख जाएं तो तुरंत उनमें गोली मार देना। तो वहाँ पर जितने भी विंस्टन के फ्रेंड रहते हैं वो पावल को मारने वाले रहते हैं, लेकिन पावल उनसे लड़ता है और वो उनमें से एक को इन्फेक्टेड भी कर देता है, तो वहाँ से सभी भाग जाते हैं। लेकिन इसी के साथ पावल विंस्टन को बेहोश भी कर देता है और वो रोड पर चले जाता है। वहाँ पर वो एक ट्रक से लिफ्ट मांगता है और वो ट्रक उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब उसे होश आता है तो उसके सामने एक शेरिफ और कुछ डॉक्टर रहते हैं, तो वो उनको मुश्किल से बता पाता है कि एक लड़की ने उन सभी को इन्फेक्टेड कर दिया था। बट इसके बाद डॉक्टर शेरिफ से कहते हैं कि तुम्हें इसे दूर ले जाना होगा। तो अब इसके बाद पावल विंस्टन की कार में रहता है और वहीं पर पावल विंस्टन को बताने की कोशिश करता है कि वो पानी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है। अब इसके बाद जेफ को दिखाते हैं जो केबिन पर आता है, वहाँ पर उसे सभी की डेथ बॉडी मिलती है। ये सब देखकर वो रोने लगता है, बट थोड़ी देर बाद वो खुश भी होता है क्योंकि वो अकेला था जो बच गया था, तो विक्ट्री में वो अपने हाथों को ऊपर करता है। लेकिन इतने ही शेरिफ उसे मार देते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो उन सभी की डेथ बॉडी को जला देते हैं। अब इसके बाद पावल को दिखाते हैं तो वो भी मरा हुआ था और वो एक लेक के किनारे मरा हुआ रहता है, बट उसी के नज़दीकी कुछ छोटे बच्चे एक कैन में पानी भरते और उसका लेमनेड बनाकर उस स्टोर पर बेचते हैं जहाँ पर वो सेम शेरिफ रहते हैं जिन्होंने उन कॉलेज स्टूडेंट को मारा था। तो वो बच्चे उनको लेमनेड पिलाते हैं, लेकिन वो पानी तो इन्फेक्टेड था और वो पुलिस ऑफिसर उस पानी को पीते हैं और उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। अब क्रेडिट के बाद एक ट्रक को दिखाते हैं जिसमें वो इन्फेक्टेड पानी रहता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं रहता है और वो उस पानी को शहर ले जाते हैं, मतलब कि उस पानी से अब और भी इन्फेक्टेड होने वाले थे। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।